स्वर्ग यात्रा के समय पांडवों ने द्रौपदी के साथ ऐसा क्या किया था? क्या द्रौपदी ने दिया था पांडवों का साथ? पांडवों ने द्रौपदी के साथ ऐसा क्या किया? महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके बाद कई अपशगुन घटनाएं घटने लगी। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी से मिले श्राप के कारण और उनके पुत्र श्याम को ऋषियों द्वारा मिले श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे। फिर बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उधर जब यह बात पांडवों को पता चली तो वह भी द्रौपदी सहित स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर स्वस्थ शरीर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। उसके बाद रास्ते में क्या हुआ यह जानने से पहले आप लोगों से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सके। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पांडवों के साथ हुई घटनाओं के बारे में। दोस्तों, इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था। दोस्तों, आपको बता दें, स्वर्ग की यात्रा से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे सारे राज्य का कारोबार सौंप दिया था और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया था। उसके बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था। यह देख अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर पांचों पांडवों, द्रौपदी सहित अनेक तीर्थ और नदियों व समुद्र की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वह सब चलते चलते सागर तट पर पहुंच गए। लेकिन अंतिम समय की यात्रा में भी अर्जुन अपने गांडीव धनुष व अक्षय तरकस का मोह त्याग नहीं पाए थे। इसके बाद लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकस को त्यागने के लिए कहा। तब अर्जुन ने ना चाहते हुए भी इन दोनों चीजों को त्याग कर दिया। फिर पांडव पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने के लिए उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। इस तरह से पांडव यात्रा करते करते हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग बताया। जब पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू से भरा एक समुद्र दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर सभी स्वस्थ शरीर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और सभी पांडवों से कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमें अपने बल पर ही स्वर्ग की यात्रा करना उचित होगा। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। फिर पांचों पांडव व द्रौपदी और कुत्ता सहित सभी तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। यह देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो फिर क्या कारण है कि वह सबसे पहले नीचे गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। फिर भीम ने पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को भी अपने जैसा बुद्धिमान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण आज इसे गिरना पड़ा। इसी तरह से कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने सुंदर होने पर बहुत ही अभिमान था, इसीलिए आज इसकी यह गति हुई है। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर गए। यह देख युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन का मानना था कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वह कभी ऐसा नहीं कर पाया। इसी अभिमान के कारण आज अर्जुन की यह हालत हुई है। ऐसा कहने के बाद युधिष्ठिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा चलने के बाद भीम भी नीचे गिर गए। उसके बाद जब भीम ने पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम्हें भी अपने बल पर बहुत अभिमान था, इसीलिए आज तुम्हें इस भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चल रहा था।
थोड़ी देर चलने के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां पर धर्मराज ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि युधिष्ठिर तुम्हारे साथ एक कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। धर्मराज की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता हमारे साथ इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, इसीलिए इसे भी हमारे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर काफी देर समझाने पर भी युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने। तब कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। दोस्तों, जो कुत्ता युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग लोक तक पहुंचा था वह कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता स्वयं यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले गए, परंतु स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, जबकि उनके चारों भाई और द्रौपदी वहां नहीं है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे चारों भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे उत्तम लोक नहीं चाहिए, मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना। तब देवताओं ने कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चलने लगे। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर लेकर गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था, जिस पर चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था, सभी ओर लाशों का ढेर लगा हुआ था, सभी से दुर्गंध आ रही थी। इसके अलावा कौवे और गिद्ध मरड़ा रहे थे। वह एक नर्क था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा, देवताओं ने कहा था कि अगर आप थक जाएं तो आपको वापस लौटा लूं, अगर आप थक गए हो तो हम पुनः वापस लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया, परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तब उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर और वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उनकी आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा, तब उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम उन देवताओं के पास लौट जाओ, अगर मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को थोड़ा सुकून मिलता है तो मैं यही रहूंगा। उसके बाद यह बात उस देवदूत ने जाकर देवराज इंद्र को बता दी। फिर कुछ क्षण बाद सभी देवता युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित वातावरण हो गया, चारों ओर उजाला हो गया। यह देख युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा, देवगण, मुझे पहले यह बताइए कि यह सब क्या है? तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा की मृत्यु की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था, इसी की वजह से तुम्हें भी कुछ समय छल से नरक के दर्शन करने पड़े। तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य सभी वीर पहुंच गए हैं। उसके बाद इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने मानव शरीर त्याग दिया और फिर उसके बाद सभी देवता उनको उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके चारों भाई व द्रौपदी मौजूद थे। फिर वहां युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और फिर वहां देखा कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनका स्वागत किया। फिर युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह ही शरीर धारण किए वायु देवता के पास थे। कर्ण को सूर्य की तरह शरीर धारण किए हुए देखा और नकुल व सहदेव को अश्विनी कुमार के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि यह जो साक्षात भगवती दिखाई दे रही हैं, उनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद इंद्र ने युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार से बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों व सभी संबंधियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए।